हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से मिक्स वेज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सभी को काफ़ी पसंद आते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं, और इसे मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताऊंगी। इस तरीके से एक बार बना लिया तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी तरीके से मैं इसे बनाना बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं मैंने मिक्स वेज की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लिया है। तो ये मैंने बीन्स लिया है, और ये है शिमला मिर्च, और ये आलू, और ये गोभी, और ये है हरी मटर, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पनीर ली है, और 3 से 4 प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया इस तरीके से, 3 से 4 टमाटर को भी बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, और थोड़ी सी जीरा, और 2 तेज पत्ते, और यहाँ पर मैंने नमक ली है टेस्ट के अनुसार, और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये हरे धनिया को बारीक चॉप कर लिया, ये अदरक लहसुन काली मिर्च का पेस्ट, और अपने अनुसार कोई भी सब्जी ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है, और कढ़ाई गर्म हो गया है, उसके बाद मैंने इसमें तेल डाल दिया है। तेल मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि अभी सारी सब्जियों को डीप फ्राई करना है, और बाद में तेल ज़्यादा लगेगा तो मैं बाद में निकाल लूँगी। तो इसी तरीके से मैं सारी सब्जियों को गोल्डन ब्राउन करूँगी। यहाँ पर मैंने पनीर को मैरिनेट कर लिया है, मैंने थोड़ी सी उसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर। अब इधर हम लोगों का आलू भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब मैं आलू को निकाल रही हूँ, और इसके बाद फिर मैंने गोभी डाल दिया है, और गोभी को भी गोल्डन ब्राउन करके, और इन्हें भी मैं निकाल लूँगी। अब गोभी भी गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इन्हें भी मैं निकाल लूँगी, और इन सारी सब्जियों को हाई फ्लेम पर ही डीप फ्राई करना है। सब्जियों को डीप फ्राई करने में ज़्यादा तेल नहीं लगता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बीन्स डाल दिया है, और बीन्स को भी हल्का सा मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ, शिमला मिर्च को भी इसी तरीके से 2 मिनट तक फ्राई करना है। और अब देखिए शिमला मिर्च भी हो गया है, तो मैंने इसी तरीके से सारी सब्जियों को डीप फ्राई कर लिया है, और इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो तेल मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। खड़े मसाले थे वो मैंने डाल दिया है, तेज पत्ते, जीरा और लौंग, इलायची सभी को डालकर, और ये जब अच्छी खुशबू आने लगी है तो अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, और प्याज को हल्का सा सॉटे कर लिया। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है, टमाटर डालने के बाद तुरंत ही इसमें नमक मैं डालूँगी क्योंकि नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। और अब ये टमाटर भी हल्का गल गया है तो उसके बाद मैंने मटर डाल दिया है, और मटर डालने के बाद यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन काली मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, और इन्हें मैं 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से भूनूंगी। अब इस स्टेज पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इन सभी मसालों को अच्छे से भूनूंगी। इन्हें तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल ऊपर सेपरेट ना होने लगे। तो अब अच्छे से भून चुका है मसाले, और अब मैं सारी सब्जियों को डालकर और उसे ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में सब्जियां भी पक जाएंगे ऊपर, और नीचे मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। और अब देखिए इन्हें पकते हुए 5 मिनट हो गया है, और देखिए सब्जियां भी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, और मसाले भी अच्छे से भून गए थे। अब इसके बाद मैं पनीर डाल रही हूँ इसमें। पनीर को मैंने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था क्योंकि मैरिनेट करने से काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं पनीर। अब इन्हें मैंने ढक दिया है,
दो से तीन मिनट के लिए। अब देखिए कितने अच्छे से सारी सब्जियां भी पक गई है और हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। उसके बाद मैंने हरे धनिया डाल दिया है और ये बहुत ही टेस्टी है। देखिए पनीर भी कितना सॉफ्ट बना है। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत लोग बनाते भी होंगे। और इसका कलर बहुत अच्छा आया है लेकिन लाइट के वजह से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।